देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। होली पर्व के पूर्व शुरू हुए भगोरिया मेले की शुरुआत आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में हो चुकी है। इसी कड़ी में स्टेट प्रेस क्लब के तत्वाधान में इंदौर शहर के पत्रकारों को पारंपरिक भगोरिया पर्व में ले जाया गया, जहां आज न्यूज़ टीवी इंडिया की टीम भी धार जिले के डही नगर में पहुंची, जहां भगोरिया मेले में पारंपरिक वेशभूषा में युवतियां और युवक मांदल याने के बड़े ढोल व अन्य वाद्य यंत्र की थाप पर झूमते नजर आए। इस दौरान प्रदेश की पूर्व मंत्री व भाजपा नेत्री रंजना बघेल भी मौके पर मौजूद रही। उन्होंने भी मांदल की छाप पर जमकर ठुमके लगाए। वहीं स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री प्रवीण खारीवाल ने पूर्व मंत्री को मोमेंटम देते हुए आभार प्रेषित किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रंजना बघेल से न्यूज टीवी इंडिया संवाददाता ने खास चर्चा की। मध्य प्रदेश में पारंपरिक त्यौहार भगोरिया शुरू हो चुका है। हालांकि कोरोना महामारी पर भगोरिया इस वक्त भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस वक्त पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद है, रंजना बघेल जी, आइए उनसे जानते हैं किस तरह भगोरिया पर्व मनाया जा रहा है। मैडम, अभी क्या उत्साह देखा जा रहा है यहाँ पर? देखिए, अभी कोरोना के प्रकोप के कारण इस कमी आई है, लेकिन ये परंपरागत पौराणिक ऐतिहासिक मेले ये होलिका दहन के 8 दिन पूर्व तक ये बड़े बड़े जहाँ हाट लगते हैं वहाँ पे भुंगरिया हाट लगते हैं। और ये जो भुंगरिया हाट है, ये चूंकि कई लोग इसको प्रणय पर्व के रूप में, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सामाजिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से बेटे और बेटियों का गर्मियों में और विवाह होता है और लड़के वाले दहेज देते हैं, तो ये गलत है। ये मौज मस्ती के मेले हैं। और जब होलिका दहन के 8 दिन पूर्व ये हाट बाजार में पूरा पूजन की और खाद्य सामग्री खरीदी जाती है, क्योंकि होलिका दहन के बाद ये उजाड़िया हाट कहलाते, हाट नहीं बनते। आपने भी आज यहाँ पर डांस किया है, देख रहे थे हम लोग। हाँ। किस तरह से, क्या कहेंगे, कोरोना महामारी भी चल रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, अभी ट्राइबल क्षेत्र में पहले भी कोरोना नहीं था, अभी भी नहीं है कोरोना, लेकिन फिर भी सावधानी रखने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंता करते हैं और हम सब लोगों को चिंता करना चाहिए, और आने वाले समय में हमको इससे लड़ने के लिए सावधानी हमको रखनी है। मास्क उपयोग करना है, हमको सैनिटाइजर का उपयोग करना है, 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है। लेकिन अभी जो हाट बाजार जो होते हैं वो बच्चों में सामाजिक दृष्टि से स्वतः बड़े बुजुर्ग नए नए कपड़े लेते हैं, बच्चे सारे लोग खेती के आगाज में जब फुर्सत हो जाती है तो लोग इन हाट बाजारों में आते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर मंत्री भी रह चुकी है और सत्ता में भी आपकी पार्टी है, तो भगोरिया हाट को लेकर महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से आप देखती हैं अभी, क्योंकि कुछ बदलाव आया है अभी यहाँ पर? नहीं नहीं, महिला तो ट्राइबल क्षेत्र की महिलाएं, वैसे आपने देखा होगा अभी भगोरिया हाट में आती है तो अपने झोंड के साथ घूमती है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, उनको कोई असुरक्षा का भाव ही नहीं होता। और कभी इस तरह की घटना होती है तो वो देर नहीं होती कि उनके परिवार के लोग ही उनको, अलीराजपुर क्षेत्र में तो तीर कमान से बीन देते थे, पुराने लोग तीर कमान से बीन देते थे और थालिये से मर्डर कर देते थे अगर बहनों को छेड़ते हैं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत सुरक्षित महसूस करती है और ट्राइबल का लोग आत्मनिर्भर है अपनी सुरक्षा करने में। और आज हजारों की तादाद में गांव-गांव से निकल के आता है और ये गेर के रूप में ढोल मांदल लेकर आते हैं और उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। अंत में आप किस तरह से शुभकामना देना चाहेंगे होली के पर्व और भगोरिया की? अंत में होली और भगोरिया पर्व की शुभकामना के साथ ये कहना चाहूंगी कि कोरोना को देखते हुए आप मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी का आप पालन करें, क्योंकि ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये भी हमारे साथ पूर्व मंत्री रंजना बघेल, इनका कहना है कि सैनिटाइजर मास्क का उपयोग करते रहें और जीवन के लिए बहुत जरूरी है। भगोरिया पर्व में इस वक्त उन्होंने यहाँ की जनता के साथ डांस भी किया। कैमरा पर्सन जीतू माथू के साथ सतीश शर्मा। ताजा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें। न्यूज टीवी इंडिया पर